हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये चैप्टर है दोस्त आपका फिफ्थ चैप्टर सीसीटीवी का जो बुक है, प्रेजेंटेशन का जो चैप्टर है। प्रेजेंटेशन का एक बार मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ प्रेजेंटेशन होती क्या है। कई मूवीज़ में आपने देखा होगा, कोई प्रोजेक्ट होता है उसके ऊपर कोई जो प्रोजेक्ट बनाता है, कोई न्यू प्रोजेक्ट है उसका एक डिस्प्ले लगी होती है और उसके ऊपर वो बताता रहता है, बाकी लोग उसको देखते हैं। जो भी बातें वो बता रहा है कि इस टाइप से हमारा प्रोजेक्ट होगा, इसको हम आगे ऐसे करेंगे, ये इसमें जो है चीज़ें लगेंगी, इसका ये प्रिंसिपल है, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं दोस्तों प्रेजेंटेशन, और प्रस्तुतिकरण बोलते हैं हिंदी में। तो इसके जो दोस्तों एमसीक्यू जो क्वेश्चन है, चार क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों आप सभी से, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको रेगुलरली जो है वीडियोज़ आपके एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है इस जो वीडियो है इसमें, जो इस चैप्टर का, द प्रेजेंटेशन इज सीन ऑन कंप्यूटर और ए प्रोजेक्शन स्क्रीन इन फॉर्म ऑफ। तो ये होती हैं दोस्तों जो प्रेजेंटेशन होती है आपकी, उसमें जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर स्लाइड्स की फॉर्म में चलती है, स्लाइड्स की फॉर्म में, मतलब कि एक स्लाइड के ऊपर टाइटल आ गया, मतलब कि उसका शीर्षक क्या है, क्या वो प्रोजेक्ट है, उसके बाद उसकी डिटेल्स कैसे वो वर्क करेगा। जैसे फिलहाल अभी आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर आपको चार क्वेश्चंस दिख रहे हैं। अब मैंने आपको ये चार क्वेश्चंस दिखा दिए, आगे के क्वेश्चंस दिखाने के लिए इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ हिंदी में दिखाने के लिए। तो ये थी आपकी पहली स्लाइड जो इंग्लिश मीडियम में थी, और उसके बाद मैंने इसको स्क्रॉल डाउन किया हिंदी के लिए, तो ये आपकी दूसरी स्लाइड है, और इसके बाद आपकी जो आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं उसी को हम बोलते हैं स्लाइड प्रेजेंटेशन के अंदर। इसके बाद ये है आपकी तीसरी स्लाइड। तो जो स्लाइड्स की फॉर्म में होती है, तो आपका जो आंसर होगा पहला, ए आंसर होगा आपका स्लाइड्स, स्लाइड्स की फॉर्म में जो आपकी होती है प्रेजेंटेशन। सेकंड क्वेश्चन है आपका, एनिमेशन डिसाइड्स द वे। जो एनिमेशन होती है वो क्या डिसाइड करती है, तो जो आपकी एनिमेशन जो है वो आपके, जैसे ये स्लाइड है इसके अंदर आप देख रहे हैं आपके लेटर्स कैसे लिखे हुए हैं, इसको हम इटैलिक्स भी कर सकते थे, मतलब कि इस टाइप से थोड़े टेढ़े कर सकते थे अक्षरों को। तो ये अलग अलग जो चीज़ें को डिसाइड करता है, आपको कलर कैसा दिखेगा स्लाइड के अंदर, जैसे यहाँ पर आपको वाइट कलर दिख रहा है, यहाँ पर आपको ऑरेंज कलर दिख रहा है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं उनको डिसाइड करता है एनिमेशन। तो जो आइटम्स होते हैं जो स्लाइड के अंदर, उनको डिसाइड करता है एनिमेशन। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन, द आइटम्स इन द स्लाइड, बी ऑप्शन जो आपका राइट आंसर है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट स्लाइड ऑफ प्रेजेंटेशन। जो प्रेजेंटेशन की पहली जो स्लाइड होती है उसमें क्या होता है, आप देखिए जब भी आप कोई भी प्रेजेंटेशन देखते हैं, पहली जो स्लाइड होती है उसके अंदर टाइटल आपका आता है, आपका जो शीर्षक है उस प्रेजेंटेशन का वो आपको देखने को मिलता है। तो आपका आंसर होगा ए, टाइटल स्लाइड। जो लेआउट में पहली स्लाइड होती है वो होती है टाइटल स्लाइड। लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाइल वर्किंग विद ऑटो शेप्स यू कैन चेंज द स्टाइल ऑफ टेक्स्ट यूजिंग। अगर आपको टेक्स्ट जो है, जो अक्षर लिखे हुए हैं उनकी स्टाइल को चेंज करना है, तो आपको क्या जो है फॉलो करना पड़ेगा, आपको फॉन्ट जो फॉर्मेट मेन्यू है उसके अंदर जाकर फॉन्ट्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग टाइप से। इसके बाद आपके हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं ये क्वेश्चंस करवा देता हूँ हिंदी मीडियम में। प्रस्तुतिकरण कंप्यूटर अथवा प्रोजेक्शन स्क्रीन पर दिखाई देता है, स्लाइड के रूप में दिखाई देता है, स्लाइड होती हैं अलग अलग स्लाइड्स, पहली स्लाइड पर आपका टाइटल आएगा, शीर्षक क्या है, जैसे इस स्क्रीन पर आप देख रहे हैं फिलहाल आपको दो क्वेश्चन दिख रहे हैं, आगे के क्वेश्चन आपको दिखाने के लिए मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, जैसे ये तीन और चार, तो जो ऊपर पहले और दूसरे क्वेश्चन मैंने आपको दिखाई, ये आपकी पहली स्लाइड थी, इसके बाद आपकी ये आपकी दूसरी स्लाइड है, और स्लाइड में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई फोटो भी लगी हो सकती थी आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो आती हैं स्लाइड्स के अंदर। तो आपका जो आंसर है वो होगा पहला जो है स्लाइड के रूप में, सेकंड है एनिमेशन तरीका निर्धारित करता है, एनिमेशन क्या निर्धारित करता है स्लाइड में मदों के दिखाई देने का, स्लाइड के अंदर अक्षर कैसे लिखे हैं, उनका कलर कैसा है, फोटोज़ कैसी हैं, कोई टेबल है वो कैसी है, चार्ट कैसा लगा हुआ है, तो जो एनिमेशन इस चीज़ को डिसाइड करता है जो स्लाइड के अंदर जो चीज़ें हैं उनको, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन आपका, प्रस्तुतिकरण की पहली स्लाइड में हमेशा लेआउट होता है शीर्षक स्लाइड। तो मैंने आपको बताया, जैसे ये मैंने आपको ये वीडियो आपको
जो प्रोवाइड कर रहा हूँ इसका शीर्षक ये है कि आपका जो चैप्टर नंबर 5 इसके अंदर मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो आपको पहली जो स्लाइड है उसके अंदर लिखना पड़ेगा चैप्टर 5 प्रेजेंटेशन। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ऑटोशेप्स पर कार्य करते हुए पाठ की शैली को परिवर्तित करते हैं। तो जो पाठ की जो शैली है, टेक्स्ट की जो फॉर्मिंग है, उसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मेट मेन्यू होता है, अलग अलग मेन्यूज होते हैं लेआउट का, व्यू का। तो आप फॉर्मेट मेन्यू में जाकर फॉन्ट को सिलेक्ट करते हैं। आपका सी ऑप्शन जो है राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों आपका जो थर्ड चैप्टर है उसको भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। जो आपका थर्ड चैप्टर है उसके भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 5ों क्वेश्चन को हम देख लेते हैं क्या उनके आंसर्स होंगे। किसी पहले हम इंग्लिश मीडियम में करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है, टू इंक्रीज द स्पेस ऑन द लेफ्ट फॉर जस्ट वन पैराग्राफ इन ए पेज यू कैन एडजस्ट। आप एडजस्ट कर सकते हैं केवल पैरा को लेफ्ट साइड में स्पेस इंक्रीज करने के लिए। मान लीजिए यहाँ पर जो आप खाली स्पेस देख रहे हैं, इसी स्लाइड की हम बात करते हैं, ये जो आप खाली जो स्पेस आपको दिख रहा है इसको हमें इंक्रीज करना है। तो ये जो पैरा है आपका, ये जो पैरा है इसको हम इस साइड में सरका देंगे। तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट बोलते हैं इसको। ये ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन यू वांट टू रिपीट द सेम फॉर्मेटिंग एट डिफरेंट प्लेसेज इन यूअर डॉक्यूमेंट यू कैन टेक द हेल्प ऑफ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग मतलब कि इस टाइप से अगर पैरा है, हम इसको कॉपी करके हर जो है क्वेश्चन को इस टाइप से कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो आपका सीरियल नंबर आए, उसके बाद ये क्वेश्चन आपका, उसके बाद यहाँ पर इसी के नीचे ये है जो है आपको देखने को मिले ऑप्शंस, यहाँ पर इसके नीचे नहीं होने चाहिए। तो इस चीज़ को हम कॉपी करके कर सकते हैं, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इसको हम बोलते हैं। बी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। करेक्टर फॉर्मेटिंग के अंदर कौन सा नहीं आता है। तो जो अलाइनमेंट है वो करेक्टर फॉर्मेटिंग के अंदर नहीं आता है, ये आता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में। और आपको पता है करेक्टर की अगर बात हो रही है, करेक्टर का मतलब ये जो अक्षर सा जो आप देख रहे हैं, ये जो लेटर्स देख रहे हैं डब्ल्यू एच आई सी एच, इनको कलर कैसा होगा, जैसे अब इसका ब्लैक कलर है, तो ये करेक्टर्स के अंदर आते हैं। और जो फॉन्ट्स हैं, मतलब कि जो आप लेटर्स जो देख रहे हैं इनकी साइज़ कैसी है, जैसे ये पहला जो इसका लेटर है वो कैपिटल में है, उसके बाद के जो लेटर्स हैं वो स्मॉल लेटर्स हैं, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं फॉन्ट। सबस्क्रिप्ट, जैसे यहाँ पर कुछ लिखना है हमें 2 की पावर 5, तो ये जो ऊपर जो आप ये जो छोटा जो अक्षर देख रहे हैं 5, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। तो ये तीनों ही चीज़ें आती हैं करेक्टर्स के अंदर, मतलब कि जो ये अक्षर हैं, गिनती हो चाहे वो लेटर्स हों, इंग्लिश के अक्षर हों, हिंदी के हों, ये करेक्टर फॉर्मेटिंग के अंदर आते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या आते हैं, तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा आपका अलाइनमेंट। अलाइनमेंट किसके अंदर आता है, अलाइनमेंट आता है दोस्तों आपका पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में। तो आपका जो थर्ड का आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि ये इसके अंदर शामिल नहीं है। टेक्स्ट का कलर भी शामिल है, फॉन्ट भी शामिल है और सबस्क्रिप्ट भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिला था एसआई का, 2 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था उसमें। तो आपको पता है जो अलाइनमेंट है, आइडेंटेशन है, इंडेंटेशन, लाइन जो स्पेसिंग है, वो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर आते हैं। अलाइनमेंट मतलब अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसको आप सरका के यहाँ पर भी लेकर आ सकते थे, ये जो आप खाली स्पेस देख रहे हैं यहाँ पर अलाइन कर सकते थे बीच में, तो इसको बोलते हैं अलाइनमेंट। इंडेंटेशन आता है जैसे इस साइड में आप देख रहे हैं, इसको सरका कर जो स्पेस है यहाँ पर जो ज़्यादा दिख रहा है आपको, यहाँ पर आप इंक्रीज कर सकते हैं। लेफ्ट इंडेंट जो पहला क्वेश्चन था आपका, सेम वही बात है, इंडेंटेशन इसी में आती है। लाइन स्पेसिंग, ये जो गैप है आपको देख रहे हैं यहाँ पर जो गैप है, इसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। ये भी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर आता है। 2 क्वेश्चन के बीच में जो गैप है, ये आपका पहला पैरा है, ये आपका दूसरा पैरा है, इनके बीच में जो गैप है ये भी आपको पता है लाइन स्पेसिंग में आता है। जो अंडरलाइन स्टाइल है, लेकिन ये इसके अंदर शामिल नहीं है। इसका आंसर जो होगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन स्टाइल। स्टाइल में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग आती है, करेक्टर आती है, नंबरिंग आती है। नंबरिंग होती है जैसे यहाँ पर अब ये लिखा हुआ है 5, इसकी जगह हम बुलेट्स भी लगा सकते हैं। बुलेट्स आपको जैसे ये इस टाइप के निशान जो आपको देखने को मिलते हैं, इस टाइप के निशान आपको देखने को मिलते हैं, इनको बुलेट्स बोलते हैं। हाथ का निशान भी कई बार आपको देखने को मिलता है, वो उंगली करता है क्वेश्चन की तरफ इस टाइप से, ये भी बुलेट के अंदर ही आता है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं स्टाइल के अंदर आती हैं, लेकिन जो टेबल है, टेबल कोई भी सारणी है, वो इसके अंदर शामिल नहीं है। इस क्वेश्चन के ऊपर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करके
कुछ बता सकते हैं इसके रिगार्डिंग कि सर इसका आंसर ये होगा या ये नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हिंदी में करवा देता हूँ मैं, ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो चैप्टर है, किसी प्रश्न में केवल एक पैराग्राफ के लिए बाईं ओर स्पेस बढ़ाने के लिए आप व्यवस्थित कर सकते हैं बाईं ओर स्पेस, जैसे ये बाईं ओर है ये दाईं ओर है, तो इस जगह हमें स्पेस बढ़ाना है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बायां इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ए। सेकंड क्वेश्चन है, क्या आप अपने प्रलेख में विभिन्न स्थानों पर वही फॉर्मेटिंग दोहराना चाहते हैं, तो आप मदद ले सकते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, मतलब आप चाहते हैं ये क्वेश्चन अगर आपने यहाँ पर लिखा है तो थर्ड बी सी के नीचे आए, यहाँ पर ना हो, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से आप ये काम कर सकते हैं, बी ऑप्शन जो आपका राइट आंसर होगा। थर्ड है, निम्न में से कौन सा संप्रतीक फॉर्मेटिंग नहीं है, संप्रतीक मतलब होते हैं करेक्टर्स, जो करेक्टर्स जो आपको अक्सर दिख रहे हैं इनको बोलते हैं संप्रतीक, तो इसके अंदर कौन सा नहीं आता है, पाठ्य का रंग आता है, स्टाइल आती है, पादांक आता है, लेकिन जो संरेखण है वो आपका इसमें शामिल नहीं है। संरेखण मतलब कि अब ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम सरका कर यहाँ पर भी मिडल में ला सकते थे, अलाइन कर सकते थे यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट, तो ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, थर्ड ऑप्शन, सॉरी जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा बी। निम्न में कौन सा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग नहीं है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में कौन सा नहीं आता, तो दो अक्षरों के नीचे हम लाइन जो अंडरलाइन करते हैं वो शामिल नहीं होता, ऐसा ही में सेम क्वेश्चन एज इट इज विद ऑप्शन आपको देखने को मिला था, आंसर है इसका डी ऑप्शन, अंडरलाइन स्टाइल या अधोरेखांकन स्टाइल। लेकिन आपको हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो सोच रहे हो इस टाइप से हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो एग्जामिनर ने डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम में दिया था और ये अधोरेखांक स्टाइल नहीं लिखा था उसने, उसने इंग्लिश मीडियम को कन्वर्ट करके एज इट इज हिंदी मीडियम में भी यही लिखा था, अंडरलाइन स्टाइल इस टाइप से उसने हिंदी में लिख दिया था। तो ये केवल आपके मन का वहम है कि हम हिंदी में कर लेंगे, हिंदी में पूछता ही नहीं है वो, इंग्लिश में ही एज इट इज उसको दे देता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको स्टाइल में शामिल नहीं किया जा सकता, स्टाइल में शामिल नहीं होते पैराग्राफ फॉर्मेटिंग शामिल होती है, संप्रतीक, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग शामिल होती है, संख्यांकन, जो नंबरिंग, जो बुलेट्स वगैरह होती हैं, जैसे इस टाइप के जो आपके कुछ नोट्स होते हैं उसके अंदर आप भी लगाते होंगे या इस टाइप से निशान लगाते होंगे, इसको बोलते हैं बुलेट्स, तो ये भी आती हैं स्टाइल के अंदर, लेकिन जो टेबल जो फॉर्मिंग है वो नहीं आती, सारणी जो है इसके अंदर नहीं आती स्टाइल के अंदर। तो ये थे आपके दोस्तों सभी क्वेश्चन, हमने आपके जैसा कि आपको बोला था कि एग्जाम से पहले आपके ज़रूर कवर करवा दिए जाएंगे, हमने आपको करवा दिए हैं। अब आपकी जिम्मेवारी ये बनती है कि जो आपको बाकी साथी हैं उन तक ये सारे जो चार वीडियोज़ हैं, चार या पाँच जितने भी वीडियोज़ हैं अलग अलग जो चैप्टर्स के, वो उन तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि वो भी हो सके, चांसेस हैं दोस्तों, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि इन्हीं में से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन जो आपका एसआई का एग्जाम हुआ था मेल और फीमेल दोनों में सारे क्वेश्चन इसी बुक से आए थे, और कई क्वेश्चन जो ऑप्शंस में हैं एज इट इज मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन हैं वो आपसे पूछे गए थे। बाकी चैप्टर्स को भी आप जरूर पढ़ें, सेकेंड चैप्टर, सिक्स चैप्टर, सेवन चैप्टर, तीनों इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, दो घंटे का काम है, आप कर सकते हैं, इन चैप्टर को आप जरूर पढ़ें, पूरा थ्योरेटिकल जो चैप्टर है कंसेप्ट सारे आपके क्लियर हो जाएंगे, तो इनको आप जरूर पढ़ें, क्योंकि 10 नंबर काफ़ी होते हैं कंपटीशन एग्जाम में इसलिए। और दोस्तों आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको बकवास चीज़ें कम प्रोवाइड करवाते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड जो चीज़ें आपके एग्जाम में काम आएँ ऐसी चीज़ें आपको, ऐसे वीडियोज ही आपको लेकर आने की कोशिश करते हैं आपके लिए, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दें, नहीं लगते तो जो आप चाहे मर्जी आप कर सकते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है आपसे अगर आपको पसंद नहीं आते हैं तो, लेकिन अगर आपकी कोई अच्छी आप सलाह हमें देते हैं कि इस टाइप का सुधार हम कर सकते हैं तो वह हम आपकी ज़रूर मानते हैं, आप अच्छे कोई सजेशन देंगे तो हम ज़रूर उसको फॉलो करते हैं, लेकिन कई जो लोग बेमतलब के कमेंट्स करते हैं, कल की बात बताऊँ, एक आदमी हमारा व्यूअर है वो बोल रहा था इस टाइप के क्वेश्चन पूछे थोड़ी जाते हैं, कोई नहीं पूछता पहले क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसकी स्पेलिंग वेस्ट की स्पेलिंग नहीं आती, ये स्पेलिंग लिख रहा है वो कि क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसको वेस्ट की स्पेलिंग, वेस्ट की स्पेलिंग को वेस्ट लिख रहा है, उसको ये पता नहीं, और हमारे वीडियोस पे आगे वो कमेंट करता है, हंसी आती है मुझे ऐसे लोगों पर, तो ऐसे लोग हमारे वीडियो से दूर रहें, और जिनको लोगों को लगता है कि इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है तो वो हमारी वीडियो ज़रूर देखें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू, और बेस्ट ऑफ लक का जो आपका एग्ज़ाम है, हमने जैसे आपको वादा किया था हमने आपको क्वेश्चन सारे कंप्लीट करवा दिए हैं जो MCQs का आपको बोला गया था, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप चैप्टर्स को भी पढ़ सकते हैं, थैंक यू।